फिल्म स्कैटरियाज बात करते हैं टिटनेस वैक्सीन के बारे में। टिटनेस वैक्सीन बच्चों में कब लगना चाहिए और बड़ों में कब लगना चाहिए? देखिए, इसके कई क्राइटेरियाज हैं, इसके कई मिथ हैं। जैसे कि वैक्सीन का जो टिटनेस का जो वैक्सीन है वो आपको चोट लगने के तुरंत बाद लगना चाहिए, 24 घंटे के बाद लगना चाहिए, 48 घंटे के बाद लगना चाहिए, या 72 हार्स के अंदर लगना चाहिए। तो क्या ऐसे इसके क्राइटेरियाज हैं, कब आपको वैक्सीन लगना चाहिए और किस तरह से वैक्सीन लगना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि बच्चे जो हैं उनके वैक्सीन कब लगना चाहिए, अगर छोटी छोटी चोट पर बच्चों को या बड़ों को टिटनेस लगना चाहिए, या अगर वैक्सीन उसको लगे हैं बच्चों को ऑलरेडी डीपीटी वगैरह के, तो आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए टिटी का या नहीं लगवाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिटनेस बैक्टीरिया के बारे में। टिटनेस बैक्टीरिया क्या होता है? टिटनेस बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये टिटनेस बैक्टीरिया एक ऐसी जगह पर पाया जाता है जो अनकंटामिनेटेड अनहाइजीन होती है, जैसे कि धूल मिट्टी ज्यादा है या फिर ऐसी कोई जगह है जहां पर जंग लगी हुई है, ऐसी जगह पर देखने को मिलती है टिटनेस का बैक्टीरिया। अगर हम बात करें टिटनेस के बैक्टीरिया की, तो इसके अलावा अगर आपको स्किन ओपन होती है तो इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर स्किन आपके ओपन नहीं है तो आपको चांसेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में बैक्टीरिया ऑलरेडी रहता है, लेकिन ये बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये जो बैक्टीरिया होता है इसके ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। इसलिए इसकी ये खासियत होती है कि जब भी बॉडी में आपके में ऑक्सीजन कम होगा और बहुत जल्दी ग्रो करता है। सबसे दूसरा खासियत ये होती है कि जब भी ये बॉडी में एंटर करता है तो उसके बाद में आपका नर्वस सेल्स पूरे जो नर्वस सिस्टम को होता है ब्लॉक करता है, क्लैंक्स जो जॉ होता है लॉक जॉ हो जाता है, पूरी मसल्स को मास्टर मसल्स को ब्लॉक कर देता है, यानी कि सारी यहाँ से पूरे मसल्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है और पेशेंट की ऑपिस्थोटोनस पोजीशन हो जाती है। ऑपिस्थोटोनस पोजीशन यानी कि पेशेंट का धनुष आकार उसको हम कहते हैं, और बॉडी अकड़ने लगती है, बॉडी बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, और जिसकी वजह से कभी कभी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। ऐसी कंडीशन टिटनेस के पेशेंट में हो जाती है। टिटनेस के पेशेंट को लाइट से परेशानी होगी, अगर कोई बोलेगा चिड़चिड़ाएगा तो उसको चिड़चिड़ाहट होगी, ऐसे पेशेंट को टिटनेस में ऐसी परेशानियां आती हैं। अब हम बात करते हैं कि टिटनेस का वैक्सीन कब लगना चाहिए। देखिए, एवरी 10 ईयर्स अगर एडल्ट है, 18 साल से 20 साल से ऊपर है, 15 साल से ऊपर है, तो वो अगर 10 साल में उसको टीडेप का इंजेक्शन लगा हुआ है, यानी कि 10 साल में टीडेप इंजेक्शन जो होता है वो रिकमेंड किया जाता है। अगर वो इंजेक्शन आपको लगा है तो आपको टिटनेस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 10 साल के लिए कंफर्म आपके प्रोटेक्शन हो गया बॉडी का। ओके, अगर हम बात करें आपको श्योर नहीं है, अगर आपको श्योर नहीं है कि इंजेक्शन मुझे लगा है या नहीं लगा है, तो क्या करें? ऐसी कंडीशन में आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, लेकिन आपको याद रखना है कि मुझे इंजेक्शन अभी कब लगा है, और देन उसके बाद में कौन सा इंजेक्शन लगा है, उसके बाद में आपको कौन सा कितने ईयर्स तक आपको प्रोटेक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करें बच्चों के बारे में, तो बच्चों के जो वैक्सीन होते हैं रेगुलर, अगर वैक्सीन प्राइमरी वैक्सीनेशन अगर उसके साथ में हुआ है बच्चे के साथ में, तो आपको टिटनेस के लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्राइमरी वैक्सीनेशन यानी कि जैसे मान लीजिए बर्थ के टाइम पर जैसे बच्चा पैदा होता है उस टाइम पर BCG हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लग जाता है, देन उसके बाद में हेपेटाइटिस के इंजेक्शन बाद में लगते हैं। और अगर ढाई महीने 3.5 महीने की बात करें, तो यहाँ पर इंजेक्शन DPT लगता है। DPT यानी कि टिटनेस डिप्थीरिया एंड पर्टिसिस यानी कि काली खांसी और टिटनेस के इंजेक्शन लग जाते हैं। अगर 1.5 महीने में 2.5 महीने में है, 3.5 महीने में बच्चे को अगर वैक्सीन नहीं लगा है, तो आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत पड़ेगी, और उसका जो कोर्स होता है कंप्लीटली पीडियाट्रिशियन से आपको कोर्स करवाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये तीनों वैक्सीन आपको लगे हैं, तो आपको टिटनेस लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल में आपका बूस्टर लग जाता है, डिप्टी बूस्टर लग जाता है, और 10 ईयर में टीडेप लग जाता है। अगर जैसे मान लीजिए 5 साल का बच्चा है आपका, और 5 साल में आप 5 साल के बच्चे को चोट लग जाती है, लेकिन उसको DPT बूस्टर लगा है, अगर 90 साल में उसको चोट लगती है, 8वें साल में उसको चोट लगती है, तो आपको टिटनेस वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको बूस्टर लगा हुआ है। अगर मान लीजिए बच्चा आपका 14 साल का है, 15 साल का है, और 10 साल में अगर उसको बूस्टर लगा है, सॉरी टीडेप लगा हुआ है, तो आपको उस 10 साल के प्रोटेक्शन हो गया, आपको बच्चे को टिटनेस लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10 साल पर अगर उसको टीडेप लगा है, उसके बाद में अगर 14 साल 15 साल 16 साल पर उसको इंजेक्शन चोट लगती है, तो आपको टिटनेस लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 10 साल के लिए नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आपको प्रोटेक्शन बॉडी के लिए प्रोवाइड करा रहा है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि टिटनेस का जो बैक्टीरिया है या वैक्सीनेशन है बहुत डिफरेंस है।
अनयूजली आपको वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। अगर वैक्सीनेशन आप फिर भी करवाते हैं तो कोई वैसे इसके साइड इफेक्ट होते नहीं है, लेकिन आपको करवाना क्यों है? अगर आपको पता है कि हमारे बॉडी में ये फलाना इंजेक्शन लगा है, उस टाइम तक आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना है। अब हम बात करते हैं कि टिटनेस से चोट लगने के कितने दिनों के अंदर लग जाना चाहिए। देखिए, नॉर्मली टाइम जो होता है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको लग जाना चाहिए। अगर आप इसको बाद में भी नहीं लगवा पाते, जैसे मान लीजिए नहीं लगवा पाए, तो 48 आवर्स के अंदर लगवा लीजिए। अगर उसके अंदर भी नहीं लगवा सकते तो 72 आवर्स के अंदर लग जाना ही चाहिए। उसके बाद में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर टिटनेस का बैक्टीरिया ग्रो करता भी है तो भी आपको पता लग जाएगा, नहीं करता तो भी पता लग जाएगा। लेकिन सबसे जो परफेक्ट टाइम होता है वो 24 आवर्स के पहले ही आपको टिटनेस का वैक्सीन लग जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में कि किस तरह से बच्चों के वैक्सीनेशंस के प्रॉपर तरीके से उसके डोज पूरे करेंगे और वैक्सीनेशंस को किस तरह से हम बताएंगे कि कौन सा वैक्सीन कब लगना है। चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता बोर हो जाएं या आपको छोड़ के वीडियो जाना पड़े। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।